Assalamualaikum everyone, hope you all are well and doing great. So welcome back to my YouTube channel. So welcome back to my second YouTube channel. So you all know that I have started my second YouTube channel. So first वाला जो था वो बैन हो चुका है, जिसका नेम था जी अनलिमिटेड फन आर्ट बाय एम. सो वहाँ पर मेरे अच्छे खासे मास्टर सब्सक्राइबर्स हो चुके थे, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशूज़ तो वो मेरा चैनल बिल्कुल ही डिलीट कर दिया यूट्यूब वालों ने. आई डोंट नो वाई. तो इट्स ओके, इंशाल्लाह हम लोग इस पे ग्रो करेंगे और इस पे इंशाल्लाह से फिर अपनी फैमिली क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह. सो प्लीज़ बस आप लोगों ने मेरी हेल्प करनी है. आप लोगों ने बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है इस वीडियो को, ठीक है. तो आज भी मैं करने जा रही हूँ जी अनबॉक्सिंग की वीडियो. सो बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह. फ़न करेंगे, इंजॉय करेंगे, नेक्स्ट व्लॉग्स भी आएंगे और कुछ ट्रेंड्स भी आएंगे. हमारे साथ ही रहिएगा और आपने करना है जी ट्रेंडी ट्रेंड्स विद मलाइका को सब्सक्राइब. सो यहाँ पे जी पार्सल मंगवाया है जी कुछ नेल कलर्स का, जो कि है जी जेलिश नेल कलर्स. तो यस, इनकी पैकेजिंग अभी ओपन करते हैं. तो ये सबसे पहले इन्होंने जी पॉपअप जोन से है रैप किया हुआ है इस पार्सल को, तो इसको ओपन करते हैं एंड देन फिर इनकी पैकेजिंग जो इन्होंने बड़ी टाइटेड की है ना, बहुत अच्छे से मुझे की है कि ना खोलते हुए पता चल रहा है कि लाइक कहीं से भी टूटी नहीं होगी ना चीज़. और आपको पता है कि नेल पेंट तो एक ऐसी चीज़ है जो आपस में लग के भी ना टूट जाती हैं. सो उस हिसाब से इन लोगों ने ना पैकेजिंग बहुत अच्छी की है. तो अभी मैं ये ओपन कर रही हूँ. तब तक प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे आप थोड़ा सा मोटिवेट कर दें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ लेके आऊँ आपके लिए इंशाल्लाह. शॉर्ट्स भी आएंगी, अपलोड करूँगी, वीडियोस भी प्रॉपर अपलोड करूँगी. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जी पॉप कर रही हूँ बैलून्स कह रही हूँ, सॉरी ये पॉपअप. तो ये मेरा फेवरेट पार्ट है किसी भी पार्सल का ना जिसमें ये आते हैं, ये मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट होता है कि इसको ना इस तरह पॉप करना. चलो एनीवेज छोड़ते हैं इसको और बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ. तो अब इसको ओपन करते हैं जी. यहाँ पर इन्होंने दी है जी ये टेप लगाई है, तो लाइट सी कि इसके अंदर से कैसे कलर्स निकलते. तो मैंने जो इसे मंगवाए हैं जेलिश नेल कलर्स हैं. तो अभी मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी भी कि कौन कौन से नेल कलर्स होते हैं, किस तरीके के नेल कलर्स होते हैं. सो येस, ये पैकेजिंग के लिए सबसे पहले इन्होंने ऊपर जी ये रखा हुआ है फोम टाइप में कुछ है, तो ये भी इनकी सेफ्टी के लिए इन्होंने रखा कि नेल पेंट्स टूट ना जाए. सो लेट्स गो, निकालते हैं जी अपने नेल पेंट्स को. येस, सो इसमें आई हैं जी 1 2 3 4 5 6 नेल पेंट्स. तो फर्स्ट वन वो है जी ये नेल पेंट. तो ये है जी, देखते हैं कौन सी. ओके सो ये आई है, ये भी ऑफ कोर्स जेलिश में ही है ग्लिटर में. एंड देन ये है जी हमारी सेकंड नेल पेंट. तो इसको जो सा है रैप बाद में खोलेंगे, पहले मैं सबसे पहले निकाल लेती हूँ सारी. तो ये है जी थर्ड वन. एंड देन वी हैव द फोर्थ वन नेल कलर. एंड देन फिफ्थ आई थिंक सो. येस आई हैव फिफ्थ वन, द लास्ट सिक्स्थ नेल पेंट, सिक्स्थ सॉरी. तो प्लीज़ मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है. प्लीज़ सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और आपने मुझे अपना मोस्ट फेवरेट कलर बताना है कि आपका नेल पेंट में मोस्ट फेवरेट कलर कौन सा है. कि आपको न्यूड में कलर्स पसंद है या फिर डार्क कलर्स पसंद है, डार्क शेड्स पसंद है. तो ये आप लोगों ने मुझे लाजमी मेरे साथ शेयर करना है, बिकॉज मेरा होता है कि मुझे ना कुछ कलर्स ऐसे हैं जो कि न्यूड में पसंद होते हैं और कुछ जो से मुझे ना डार्क शेड में पसंद है. जिस तरह मुझे एक मेहरून सा कलर होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें हैंड्स जो ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, वाइट लगते हैं, ठीक है. तो इससे मुझे वो कलर पसंद है. सो यहाँ पे ये देखेंगे जी ऊपर इन्होंने दिया हुआ है ग्लिटर में है, ये है जी सिल्वर में नेल कलर. एंड देन वी हैव ये रेडिश में कुछ इस स्टाइल में आ रहा है, पिंकिश में ये है. एंड देन ये भी पिंकिश में है, लेकिन इनकी फैमिली डिफरेंट है, बिल्कुल शेड्स लाइटर शेड में है. तो अभी इसको मैं ओपन भी करती हूँ, ठीक है. तो ओपन करके भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका टेक्सचर कैसा है. कि जो सा जेलिश मित्र वो बहुत ही ज़्यादा ना होते हैं कि ना लाइट होते हैं. तो वो ओपन करने से पहले मैं यहाँ पे करती हूँ जी बात पैसों की. तो ये आई हैं जी 8,350 रुपीज़ की ये नेल कलर्स आई हैं. तो येस, ये है जी 6 नेल कलर्स हैं जो कि 8,350 में आई हैं. दीज आर वेरी एक्सपेंसिव नेल कलर्स. तो ये है जी यूवी जेल कलर जिसमें है जी 15 ml. तो सबसे पहले रहता है जी ये कलर. तो इसको ओपन करके देखते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा है और इसकी थिननेस और थिकनेस कैसी है. ओब्वियसली जब ये अप्लाई करते हैं जेलिश है तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्रीक लेयर में लगती है और बहुत ही लाइटेड कलर है ये रहता है. ये यूजुअली यूज़ करते हैं एक्रेलिक्स के लिए बेस कलर में, ठीक है. कि बेस कलर नीचे करके जेलिश पे एक्रेलिक्स पे एंड देन इसके ऊपर नेल आर्ट वगैरह अप्लाई करते हैं. तो ये है जी फर्स्ट कलर. अब बारी है जी सेकंड नेल कलर की. तो इसको ओपन करते हैं. ये भी ऑब्वियसली पिंक में है लेकिन थोड़ा सा डार्क फैमिली का है. तो इसको ओपन करके देखते हैं कि इसका टेक्सचर कहते हैं कैसा है, सॉरी. तो इसका भी इसी तरह ही है कि ब्रेक सा टेक्सचर है, ब्रेक नहीं थिन सच कह सकते हैं कि बहुत ही लाइक जब एप्लीकेशन करेंगे तो बहुत लाइटेड में होगा। आती है जी बारी सिल्वर की, तो लेट्स सी कि सिल्वर में कैसा निकलता है। और माय गॉड, ये तो सिल्वर में निकल आया है गोल्डिश में, ऊपर ही तो ना सिल्वर मेंशन किया और नीचे यहाँ पे जी गोल्डन में निकल रहा है। ये कैसे हो गया? आई थिंक इन्होंने ना ये ऊपर गलत ना लगा दिया, उसका ऊपर जो सा था ग्लिटर पे सिल्वर के अंदर इन्होंने गोल्डन ऐड कर दिया है। ओके, सो एक कलर में हुआ है जी डिसअपॉइंटमेंट एंड देन निकलते हैं जी सेकंड अपना नेक्स्ट कलर की तरफ। तो लेट्स सी कि इसमें क्या है। ओ माय गुडनेस, इसकी भी थिकनेस बहुत अच्छी है और ये बेस कलर जो से ना, ओ माय गॉड, ये बहुत ही अच्छे बहुत कमाल के आए हैं। तो अगर आप लोगों ने भी मंगवाने हुए तो आप मंगवा सकते हैं। जेलिश नेल कलर्स होते हैं कि अगर आप जब इसको अप्लाई करते हैं ना तो इसको जल्दी ये रिमूव नहीं होते, खुद आपको रिमूव करने पड़ते हैं, ठीक है। तो खुद जाके या पॉलर से सैलून वगैरह से जाके आपको रिमूव करवाने पड़ते हैं ये कलर्स। सो यस, ये हैं जी हमारे जेलिश कलर्स। तो एप्लीकेशन ये ना ऑब्वियसली आपके चलते हैं जी 2 to 3 वीक्स तक चल जाते हैं। ये जो से है जेलिश, ज़्यादातर ये कलर्स जो से होते हैं ना वो होते हैं जी एक्रेलिक्स में यूज़ होते हैं, यहाँ पे टेम्प्रेरी नेल्स के साथ यूज़ होते हैं ताकि जब नेल आर्ट वगैरह करवाते हैं फिर ये रिमूव नहीं होता। अगर आप सिंपल नेल कलर करवाते हैं ना तो वो जो से ना बहुत ही गंदा सा लगता है और बहुत जल्दी ना ये रिमूव हो जाती है सिंपल नॉर्मल नेल कलर। हाँ जी तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जी डिफरेंट नेल कलर्स। तो ये भी जो सारे मैं आपको दिखा रही हूँ ब्लैक में, ये सारे हैं जी जेलिश नेल कलर्स। तो जेलिश की भी काफ़ी ज़्यादा इसमें ना है और इसलिए पिंक में है, ये भी सारे जेलिश नेल कलर्स ही हैं। तो जेलिश में भी काफ़ी ज़्यादा कलर्स होते हैं एंड देन मैं आपको भी आगे दिखाती हूँ नॉर्मल नेल कलर्स भी हैं, ओपीआई के नेल कलर्स हैं, ये डिफरेंट ब्रांड्स के हैं, ठीक है। तो ये जो उनसे हैं जी ये सारी ये हैं जी ओपीआई के नेल कलर्स। तो इसके आप कलर्स देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत, तो बहुत ही एलिगेंट ना, जिस तरह कहते हैं कि सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। तो ये सारा ये सीन है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। नेक्स्ट जो उनसे हमारे पास आते हैं यहाँ पे सारे ये भी है जी नॉर्मल नेल कलर्स। सो ये सारे हैं जी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नेल कलर्स। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपके साथ लेके आऊँगी नेल आर्ट की भी वीडियोज़। सो स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। तो मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।